नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैंने अभी लगभग 10 से 12 दिन पहले एक वीडियो बनाया था प्याज फसल में 60 दिन होने के बाद कौन कौन सी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या कोई PGR डालना है जिससे कि प्याज का साइज़ है वो ज़्यादा अच्छा मोटा हो जाए, इसका बल्ब का साइज़ मोटा हो जाए। तो दोस्तों, आज मेरी प्याज 72 दिन के लगभग हो चुकी है और मैंने उस दिन भी आपको वीडियो दिखाया था जिस टाइम मैंने PGR और NPK 50-50 के बारे में बताया था, 0050 के बारे में सॉरी। तो NPK 0050 की मैंने स्प्रे की थी और PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे की थी मैंने उस टाइम। उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी जानकारियाँ देता हूँ, स्वयं की अनुभवों के आधार पर देता हूँ, जो एक्सपीरियंस में कर लेता हूँ, जो कामयाब हो जाते हैं उन्हीं को मैं किसान भाइयों को बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे प्याज को देखिए, इनका साइज़ उस दिन जो था उससे आज 2 गुना साइज़ हो चुका है। देखिए, प्याज आज तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। और ये देखिए प्याज दोस्तों, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने उखाड़ी प्याज। अभी इन प्याजों में वैसे अगर मैं रखना चाहूँ तो 20 दिन और रह सकती है और इसका इतना ज़बरदस्त साइज़ हो जाएगा कि एक प्याज का जो वज़न है लगभग 400 ग्राम तक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अब की दफ़ा भावों का पता नहीं है, क्योंकि इस टाइम अभी भाव बढ़िया चल रहे हैं, इसलिए हम इनकी हार्वेस्टिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को मैंने बताया था उस टाइम कि लास्ट जब आपकी फसल 60 दिन की हो जाए उस टाइम आप 0050 NPK को या तो आप ड्रिंचिंग कीजिए, लगभग 3 किलो या 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से ड्रिंचिंग करते हो तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए 0050, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। और PGR में आप पैक्लोब्यूट्राजोल जो 4 ml या 5 ml पर 16 लीटर के पंप के हिसाब से इसमें स्प्रे कर दीजिए ऊपर से, तो जो ग्रोथ है प्याज की वो ऊपर से रुक जाएगी। और ये जो देखिए, जो ये इसका तना है वो तना बिल्कुल नीचे ढल जाएगा। अब इसको अपन यहाँ से काटेंगे तो बिल्कुल पीछे से भिंच जाएगी। इसकी क्वालिटी है प्याज की बहुत गजब बनेगी, ये जाके मंडी में बहुत अच्छे ऊंचे दामों पर बिकेगी। हाँ, कुछ प्याज अपनी बाद में ग्रोथ कर गई थी जिनके ऊपर देखिए, जो पहले छोटी प्याज थी जिसने शुरू में अपनी कैपेसिटी नहीं लगाई थी, उसने बाद में कैपेसिटी लगाई। और ये देखिए, इसको अपन 20 दिन रोकते हैं तो इसका साइज़ है वो बहुत गजब बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।